अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमारा पाकिस्तान। आज की बड़ी खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिसके अंदर पीटीआई ने क्लीन स्वीप कर दिया था, उसमें उन्होंने अपने होने वाले सीएम का ऐलान कर दिया। उनका नाम है अली अमीन गंगापुर। अभी इनके इमरान खान की ही नॉमिनेशन है ये, और इनके थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ। कच्चे पार्टी में क्या क्या इनकी खदमात रही है, क्या क्या इनकी खदमात रह चुकी है पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए किस तरह से ये सपोर्ट करते रहे इमरान खान को, और किन हालात के अंदर खड़े, और ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से अली अमीन गंडापुर इमरान खान को बहुत प्यारे हैं। और एक और इससे पहले एक अहम न्यूज भी आपको शेयर कर दूंगी, अली अमीन गंडापुर को उनके जो 26 केसेस है उनके अंदर जमानत मिल गई है। अच्छा, इनका जो प्रोफाइल है वो बड़ा जबरदस्त है। उसके बाद में आपको इमरान खान क्यों इनको पसंद करते हैं बहुत ज्यादा, उसका रीजन भी आपको बताऊंगा वो क्या है कि अली अमीन गंडापुर जो है ये नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स NCA लाहौर के ग्रेजुएट है। 2013-18 खैबर पख्तूनख्वा के वजीर रहे, भी रह चुके हैं। चंद माह में ही पटवार सिस्टम इन्होंने ठीक कर दिया था। पटवारी पैसे देने से के डर से घबराते थे। गिलगित बल्तिस्तान और जो आजाद कश्मीर उनकी परफॉर्मेंस पूरी दुनिया देखी है, किस तरह से उन्होंने पार्टी को वहां पर जमाए रखा। आजाद जम्मू कश्मीर जीपी में डैम शुरू करवाने में जो काम था उनने काफी हेल्प की। उन्होंने कश्मीर के मसले पर जम्मू कश्मीर की आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक इससे बहुत से लोगों को इख्तलाफात हो सकते हैं। और इसके अलावा इन दोनों इलाकों में जिस तरह से तेलुगु टापू को मजबूत किया, वो बहुत बड़ी एफर्ट और बहुत बड़ी कोशिश है। बहुत वो बहुत अहम कोशिशें हैं इनके इनके सीवी के अंदर, इनके प्रोफाइल के अंदर। और जो आप जो करंट सिचुएशन में 2022-2023 तक पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी रहे और 7 माह से पार्टी सदर भी हैं, और इन लोगों में शामिल है जो कि इस पर पार्टी जिस मुश्किल हालात में थी तो उसको मुनाजिम रखा। यानी कि पूरा एरिया केपी के आजाद कश्मीर, फिर क्या कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान वगैरह, इनको इनको मजबूत रखा और जमाया। तो इस सिलसिले में खान साहब ने एक जलसे के दौरान कहा कि जब 2014 का धरना चल रहा था और फर्स्ट टाइम उनके ऊपर शेलिंग की गई तो उसका बहुत सारा नुकसान भी हुआ और बहुत सारा नुकसान भी हुआ। तो उन्होंने कहा कि जब धरना के दौरान शेलिंग की गई तो उस दौरान कोई 3 से 4 लोगों की लाशें भी गिरी, यानी कि लोगों की जानें भी गई। तो उस दौरान वो कह रहे हैं कि जब मैं सुबह उठा और मैंने बाहर निकल के देखा, वो मेरे सामने उन लाशों को उठा के लेके जा रहे थे, और उस कंटेनर के करीब के चंद लोग थे, उनमें से अली अमीन गंडापुर भी थे। यानी कि उनको उनकी ये बहादुरी और साथ खड़ा रहना मुश्किल वक्त के अंदर बहुत पसंद आया, ये वजह। और वो बात मुस्कुरा आगे भी कहते हैं कि हर मुश्किल वक्त के अंदर मैंने देखा है अली अमीन गंडापुर जो है मेरे साथ खड़ा रहा है। तो ये इनकी प्रोफाइल के अंदर बहुत बड़ी वजह है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर ले और शेयर भी कर लीजिएगा, और चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।